उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन के नीचे सोने का भंडार मिला है। जानकारी के मुताबिक इस भंडार में जो सोना है उसकी कीमत सुनकर सरकार के भी होश उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि सोने के इस भंडार की कीमत लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा है। खनन विभाग की माने तो सोनभद्र में दो गोल्ड माइनिंग साइट है, जहां एक जगह लगभग 647 किलोग्राम सोना है तो वहीं दूसरी जगह लगभग 3000 टन सोना है। देखिए, भारत सरकार की एजेंसी GSI और उत्तर प्रदेश की एजेंसी भूतत्व खनिकर्म विभाग की जो मिनरल एक्सप्लोरेशन टीम ने इन धातु खनिजों के रिजर्व का पता लगाया है। जैसे सोन पहाड़ी में GSI ने काम किया, हरदी में हमारी विभाग के राज्य सरकार के विभाग ने काम किया है, और इन सब के भारत सरकार की मंशा और राज्य सरकार की मंशा है कि इनको इन रिजर्व को लीज करने के लिए पट्टे पे देने की संभावना पे विचार कर रही है। तो ये सर्वे हो रहा है कि इसको खसरा मैप पे प्लांट करके और इसमें फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए इसको लीज पे देने के लिए वो किया जाए। तो किसकी जगह पे है ये सोने के मुख्य भंडार? सोने के भंडार एक गुरमुरा से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक सोन पहाड़ी है जो पनारी उस ग्राम पंचायत में आता है, और एक हरदी गांव है, परलच गांव में हरदी है कहलाता है। यहाँ पे दो जगह सोने के रिजर्व मिले हैं। ठीक है, तो सर ये जो ये प्रक्रिया हो रही है, सर इसमें कितना सोना है और क्या इसका वैल्यू है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, जो यहाँ पे सोन पहाड़ी में है करीब 2600 मिलियन टन इसका रिजर्व आंका है भारत सरकार की GSI ने, और जो हरदी फील्ड है यहाँ पे हमारे विभाग ने करीब 650 मिलियन टन का रिजर्व आंका है। सर ये कब तक माइनिंग होगी इसकी और कब इसकी प्रक्रिया होनी है? इसी के लिए सर्वे हो रहा है कि इसको फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना रेवेन्यू लैंड है, इसको देखते हुए जब रिपोर्ट जाएगी तो उसको फिर सरकार भारत सरकार से विचार करके इसको जो भी करंट प्रोसेस होगा पट्टा देने के ई टेंडर प्रोसेस के माध्यम से करेगी। और कौन कौन से सर धातुएं हैं जो यहाँ पे मिल सकती हैं? और पोटास मिले हैं, और इसके अलावा एंडलोसाइट और सिलेमनाइट मिले हैं, और एक जगह आयरन ओर का भी मिला है भंडार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी पिछले 15 साल से इस सोने को ढूंढने का काम कर रही है। 8 साल पहले GSI की टीम ने पहाड़ियों पर जमीन के अंदर अकूत सोना होने की पुष्टि की थी। अब योगी सरकार ने तेजी दिखाते हुए सोने को बेचने के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। GSI की टीम यहाँ साल 2005 से सोने की तलाश कर रही थी। गहन अध्ययन के बाद टीम ने सोनभद्र जिले के इस इलाके में अकूत सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया था। फिर साल 2012 में इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया था। तब GSI की टीम ने बताया था कि सोनभद्र की पहाड़ियों में सोना मौजूद है। GSI की टीम ने बताया था कि जिले के हदरी क्षेत्र में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार है। इसके अलावा सोन पहाड़ियों में 2943.25 टन सोने का भंडार है। इसके बाद सरकार ने तेजी दिखाते हुए सोने के ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई टेंडरिंग के जरिए ब्लॉकों की नीलामी के लिए 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम पूरे क्षेत्र में जियो टैगिंग करेगी। इसके बाद 22 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ को सौंपेगी। सोनभद्र से विदु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।